कुछ दिन तक कुशन को यूज़ करने के बाद ये कुछ इस तरह का चपटा कुशन बन जाता है और फिर हमें लगता है कि हमें इसे रिप्लेस कर देना चाहिए। तो आज इस वीडियो में मैं आपको इस तरह के चपटे कुशन को वापस से नया कैसे बनाएं ये बताऊंगी। इस वीडियो की सबसे खास बात ये है कि मैं इस चपटे हुए कुशन को बिना किसी खर्चे के यानी 0 रुपीज़ में वापस से नया करके आप लोग को दिखाऊंगी। तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। चलिए आज का ये मज़ेदार वीडियो में स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट। तो इस चपटे हुए कुशन को मैं अपने वर्क प्लेस पर ले आती हूँ, ये देखिए, और इसे मैं कवर से निकाल रही हूँ। आप इस कवर को वापस से धो के आयरन करके यूज़ कर सकते हैं। तो इस चपटे हुए कुशन को हमें बिल्कुल नया करना है। आप देख रहे हैं इसमें कोई भी जान नहीं बची है, ये बिल्कुल बेकार कुशन एक तरह का हो गया है। तो इस कुशन में होती है एक स्टिच जिसे हमें खोजना पड़ेगा। इस छोर पे आपको बिल्कुल क्लीन स्टिच दिख रही है, यानी कोई भी स्टिच यहाँ पर खुलने लायक नहीं दिख रही है। इस छोर पे भी पूरी तरह क्लीन है, बट इस छोर पे आपको डबल स्टिच दिखेगा। ये हर कुशन हर पिलो में ऐसा होता है। तो बस आपको ये डबल स्टिच खोजना है और इसे खोलना पड़ेगा। तो यहाँ मैं सीजर के हेल्प से पहले इसके धागा निकाल रही हूँ। आप इस तरह से अपने घर के सारे कुशन को नया कर सकते हैं। तो धागे मैंने सारे खोल लिए हैं, अब इसे मैं खींच खींच के खोलूँगी। ये देखिए कुशन खुल गया है और अब इसके अंदर का जितना भी कॉटन है वो मैं बाहर निकाल लूँगी। तो कॉटन चाहे आपके पिलो का हो, कुशन का हो, आप किसी में भी ये टेक्निक को फॉलो कर सकते हैं। तो ये देखिए चपटा हुआ कॉटन आपके सामने है। अब हमें क्या करना है कि कॉटन को इस तरह से स्नैच करना है, यानी कॉटन को हमें धीरे धीरे करके खोलना है। ये प्रोसेस बहुत ही आसान है और बहुत ही मज़ेदार है। अगर आपके घर में कोई छोटे बच्चे हैं तो एज ए फन आप उसे इस काम में लगा सकते हैं, अदरवाइज इसे करने में जरा सा भी आपकी मेहनत नहीं लगेगी। तो धीरे धीरे करके सारे कुशन को खोलेंगे हम स्नैच करते हुए। मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया है कि पुराने पिलो को नया कैसे बनाया जाए, तो उसका लिंक मैंने आपको ऊपर कार्ड में और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप वहाँ जाके चेक कर सकते हैं कि पुराने चपटे हुए इस तरह के पिलो को नया कैसे बनाया जाए। तो ये देखिए कितना थोड़ा सा कॉटन हमने कुशन से निकाला था और ये कितना ज़्यादा हो गया है। ये सारा हमने स्नैच करते हुए ही कॉटन को किया है। तो अब क्या करेंगे कि कॉटन का जो इनर कवर है ये वाली, उसी में हम सारे कॉटन को डाल देंगे। अगर आपका ये कवर बहुत ज़्यादा ही पुराना हो चुका है तो आप चाहे तो इसे रिप्लेस कर सकते हैं, और अदरवाइज इनर कवर आपका सही है तो आप इसमें वैसे ही डाल सकते हैं। मैंने ये कुशन 1 साल पहले लिया था तो अभी ये न्यू है, तो मैं इसे में डाल रही हूँ। और अब इस जगह जहाँ पर हमने स्टिच खोली थी वहाँ पर वापस से सिलाई कर देंगे, और सिलाई हमें टाइटली करनी पड़ेगी। तो मैंने इसे अच्छी तरह से सिलाई कर ली है। अब वापस से इसे आउटर कवर हम लगा देंगे, सेम वही वाला मैं लगा रही हूँ। तो ये देखिए बिना किसी खर्चे के आप पुराने कुशन को बिल्कुल नया कर सकते हैं। किस तरह से चपटा हुआ कुशन मैं वर्क प्लेस पर अपना लेके आई थी और ये किस तरह का हो गया है आपको लाइव रिजल्ट यहाँ पर मैं दिखा रही हूँ। तो आप भी घर के सारे दबे हुए पुराने कुशन को नया कर सकते हैं बिना किसी खर्चे के। अगर ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें एंड कमेंट ऑल्सो। एंड अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब होममेड खुशी, ताकि आपको इस तरह की मज़ेदार वीडियो हमेशा मिलती रहे। तो चलिए मैं फिर से मिलूंगी नई वीडियोस के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।